This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. A18 खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। दक्कन क्रॉनिकल की एक खबर के मुताबिक तेलंगाना इंस्टीट्यूट में मेडिकल साइंस कच्ची पौली और गांधी हॉस्पिटल में एक ही दिन में 100 कोविड पेशेंट मरीजों की मौत हो गई। मालूम हुआ है कि जुमे के रोज एक घंटे में 30 से ज्यादा अपराध की कोविड से मौत हो गई है। शुबा किया है कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के दबाव में ये अमवात हुई है। तेलंगाना में कोविड वबाई बीमारी की दूसरी लहर बदस्तूर बरकरार है। जुम्मा के रोज सेहत के अहकाम ने 7,432 नए कोविड इन्फेक्शन केसेस और 33 हलाकतें रिकॉर्ड की, जिससे मजमुई तौर पर हलाकतों की तादाद 1,961 हो गई। GHMC के इलाकों में 1,464 नए कोविड इन्फेक्शन केसेस की इत्तला मिली। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में 2,624 अमवात के साथ एक दिन में 3,46,786 कोरोना वायरस केसेस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तान ने रवासल 19 अप्रैल को मजमुई तौर पर 1,50,00,000 कोविड-19 संगीन सिग्नल उबूर किया था। TPCC चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने आज फेफड़ों का सिटी स्कैन कराया। कोविड की वजह से निमोनिया का पता चला। उन्होंने ट्वीट किया कि रैपिड और RT-PCR टेस्ट मेरे मामले में कोविड का पता लगाने में नाकाम रहे। उत्तम कुमार ने आवाम से गुजारिश की कि रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्टों के बावजूद अलामतें बरकरार है तो फेफड़ों का सिटी स्कैन कराए। रियासत में यकुम में से एक मिनट में 4,000 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने की गुंजाइश रखने वाले 4 कॉन्सनट्रेटर्स काम करेंगे। गांधी अस्पताल में 2 जबकि वरंगल और करीमनगर में 1-1। हर एक में 1,000 से 960 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन पैदा करने की गुंजाइश है। तेलंगाना हुकूमत ने सबके लिए मुफ्त कोविड-19 वैक्सीनेशन देने का ऐलान किया है। रियासत की आबादी लगभग 4 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 35,00,000 लोगों को पहले ही कोविड से बचाव के खतरे पिलाए जा चुके हैं। बाकी भी मुफ्त में दिए जाएंगे। इस पर रियासती हुकूमत की 2,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। Thank you.